हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आ गई हूँ मैं यानी आपकी दोस्त रिया लेकर इंग्लिश का एक और नया टॉपिक जिसे हम साथ में सीखेंगे, पढ़ेंगे और डेली यूज भी करेंगे। आई होप आप हमारी वीडियोस रोज देख रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, सचमुच ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, ये टॉपिक है गेसेस। चलो आप गेस करिए टॉपिक किसके बारे में। ये जनरली हमारे काम में आएगा जब हम किसी के साथ घूमने मॉल्स में जाया करेंगे। वहां जाकर स्टोर्स पे लिखे बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम बोलना। तो आज का टॉपिक है 10 फेमस ब्रांड्स और उनकी ठीक प्रोनंसिएशन। जी हाँ, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं। तो 10 फेमस ब्रांड्स और उनकी ठीक प्रोनंसिएशन। याद रखना, जब आप एक ब्रांड का नाम ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो अपने साथ वाले पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देंगे। तो शुरू करते हैं पहले ब्रांड से। ये ब्रांड जो है ये बहुत फेमस शूज का ब्रांड है। तो गेसेस, पहला ब्रांड है हमारा एडिडास। क्या? एडिडास या फिर एडिडास, कुछ लोग इसे बोलते हैं एडिडास, एडिडास नहीं। ठीक प्रोनंसिएशन इसकी दो में, एक अमेरिकन इंग्लिश में और एक जर्मन इसको अलग तरीके से बुलाते हैं। तो पहले आता है एडिडास, एडिडास। दूसरा तरीका है बोलने का एडिडास, एडिडास। सेकेंड ब्रांड पे अब आते हैं। ये वाला ब्रांड जो है ना, ये भी शूज का बहुत ही फेमस ब्रांड है। तुम्हारा अगला ब्रांड है, जी हाँ, नाइक, निक। इसे क्या बोलेंगे? नाइकी। फिर से बोलते हैं नाइकी, निक, नाइक नहीं, नाइकी। अगला ब्रांड एक और फेमस शू ब्रांड, इस ब्रांड का नाम है रिबॉक, रिबॉक, रिबूक। ये सब गलत है, ठीक प्रोनंसिएशन है रिबॉक, रिबॉक। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले ब्रांड पे जो कि है एक शॉपिंग ब्रांड। इसका नाम है टॉमी हिलफिगर, टॉमी, टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर। अगला शॉपिंग ब्रांड का नाम, ये भी बहुत फेमस क्लोथिंग ब्रांड है, शूज और बैग भी काफी फेमस है इस ब्रांड के। क्या बोलते हैं? बनीटन, बेनिटन? जी नहीं, ठीक प्रोनंसिएशन है बेनिटन, बेनिटन। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ उन तीन फेमस ब्रांड्स के जिनके स्पेशली परफ्यूम्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला लुई विटॉन, लुई विटॉन, कुछ लोग इसे पढ़ सकते हैं लुइस विटन, लुइस विटॉन, लुई विटॉन। जी नहीं, लुई विटन, लुई विटॉन। अगला ब्रांड है चैनल, चैनल, चैनल। जी नहीं, इस ब्रांड का हम बोलते हैं शनैल। फिर से बोले शनैल। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट ब्रांड, हमारा एथ ब्रांड। इसे लोग क्या पढ़ सकते हैं? बर्बरी, बर्बरी। जी नहीं, बर्बरी, बर्बरी। ठीक से बोलते हैं बर्बरी। नेक्स्ट आता है ये, इसे हम कैसे रीड करेंगे? वर्साके, वर्सासे, वर्साचे। जी नहीं, इसे हम रीड करते हैं वर्साची, वर्साची, वर्साची। तो अब आते हैं हमारे आज की 10th ब्रांड पे। काफी लोगों का फेमस ब्रांड है ये, गुसी, गुकी। जी नहीं, गुची। फिर से बोलते हैं गुची,
तो आई होप आपने ये नाम हमारे साथ सुने और सीखे और याद भी किया। अब नेक्स्ट टाइम मॉल में जाएं अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ तो इन ब्रांड्स का नाम ठीक से लेना मत भूलना। तो अगली बार आप ये गलती ना करें तो आज इन 10 ब्रांड्स के नाम को हम फिर से साथ में दोहराते हैं। नंबर 1, टॉमी हिल्फिगर। नंबर 2, एडिडास या फिर एडिडास। नंबर 3, नाइकी। नंबर 4, रीबॉक। नंबर 5, बेनेटी। नंबर 6, लुई विटॉन। नंबर 7, शनेल। नंबर 8, बर्बरी। नंबर 9, वर्साची। नंबर 10, गुची। तो इसी तरीके से ठीक प्रोनाउंसिएशन के साथ इन वर्ड्स को नेक्स्ट टाइम बोलना, और ऐसे ही और नए वर्ड्स और नए ब्रांड्स और ठीक प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए हमारी वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही हम जल्द वापस आएंगे और नई वीडियोस के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देख देख के आप इन्हीं जनरल वर्ड्स को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करना और ठीक प्रोनाउंसिएशन से अपना अच्छा इम्पैक्ट डालना जरूर सीखना। सो डू गेट बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक शेयर and subscribe our channel. We'll soon be back with another video. Till then, bye bye, take care.